स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम केमिस्ट्री का एनुअल सिलेबस देखेंगे क्लास 11 का 2023-24 सेशन का। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके टॉपिक्स जस्ट लाइक इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सारे टॉपिक्स कवर आएंगे। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका आएगा, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, लिमिटेशन, ये सारे टॉपिक्स ये सारे उसमें आएंगे। देन थर्ड चैप्टर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। देन फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, ये सब आपको पढ़ना है। देन आपका एट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन आपका सिलेबस में आएगा। ये इतना सिलेबस आपको ओनली 5 चैप्टर्स मिड टर्म एग्ज़ाम 15 सेप्टेम्बर तक कंप्लीट हो रहा है। देन आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, देन उसके बाद का आगे का सिलेबस चैप्टर नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको मार्क कर लेने और यही सब आएगा। देन यूनिट आपका 7th इक्विलिब्रियम, ये आपका चैप्टर आएगा, इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे इस चैप्टर में। देन आपका 12th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें इंट्रोडक्शन और प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये और आपका होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, फ्यूजन, ये सब आपको कवर करना है। देन चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स आएगा, इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स, ये सब आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, पूरा सिलेबस आपका 15 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करा जा जाएगा। और जो आपका कॉमन एनुअल एग्ज़ाम होगा, यानी आपका लास्ट फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसमें फुल सिलेबस, मिड टर्म का सिलेबस का चैप्टर भी आएंगे और फाइनल टर्म के सिलेबस के चैप्टर भी आएंगे। चैप्टर वाइज वेटेज और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको देखनी है, यहाँ पे आपको दे रखी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट 7 मार्क्स का आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 6 मार्क्स का, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर 7 मार्क्स का, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का, रिडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 मार्क्स की, हाइड्रोकार्बन्स 10 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पूरा आपको वेटेज दे दी है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपको दे रखी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, स्टार्टिंग में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 12 MCQ होंगे और 4 असर्शन रीजन टाइप होंगे। देन बी पार्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक इंटरनल चॉइस भी होगी, 2-2 मार्क्स के होंगे वो और 10 नंबर का हो जाएगा। देन सी सेक्शन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे और इंटरनल चॉइस होगी 1 क्वेश्चन में और ये 3 मार्क्स का होगा, तो 21 नंबर का बन जाएगा। देन सेक्शन डी जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड के, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और आपको एक केस बेस्ड 4 नंबर का होगा, और इसमें केस बेस्ड में भी आपको केस को पढ़ना, क्वेश्चन इस टाइप में होंगे, यानी एक वन मार्क का, दूसरा एक 1 मार्क का, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का, 1+1+2, और ये 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप आपके 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क के, 15 मार्क का, यहाँ पे टोटल पेपर 70 मार्क्स का बनेगा। आपको कितना चैप्टर की रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग है, कितनी मेमोरी आपकी है, वो 28 मार्क्स पे बेसिस होगी। अप्लाई कितना आप प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कैसे करते हैं वो 21 मार्क्स पे बेस होगी, और कितना एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं, वो 21 मार्क्स पे बेसिस होगी, और परसेंटेज आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल का सिलेबस आप देख सकते हैं 2023-24 के सेशन के लिए, पहला यहाँ पे लैब मैनुअल वाली में से आपको बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स में कटिंग ग्लास ट्यूब, बेंडिंग ग्लास ट्यूब, ड्राइंग अ ग्लास जेट, बोरिंग अ कॉक, और कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस में ये 3 आएंगे, एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन में से 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th आएगा आपका, ये आप देख सकते हैं। ये 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके ये सारे प्रैक्टिकल, देन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। फिर सी वाले में से एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन PH आपका आएगा, उसमें ये ए और बी पार्ट करने होंगे।
केमिकल इक्विलिब्रियम वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्वालिटेटिव एनालाइज ए और बी ये आपको करने होंगे। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम आ जाता है, तो कोई सा भी आपका टीचर आपको प्रोजेक्ट दे सकती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो कि 10 पीरियड्स पे वर्क करेगा। आपको कितना आप एनालाइज करते हैं वो 8 मार्क्स दे रखेंगे, कितना आप सॉल्ट एनालाइज करते हैं वो 8 मार्क्स का, कंटेंट बेस कितना एक्सपेरिमेंट में आपने कंटेंट यूज़ करा, और प्रोजेक्ट वर्क के 4 नंबर, और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा के 4 नंबर, टोटल 30 मार्क्स का आपका हो जाएगा। 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी हो जाएगी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।